एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए सरस्वती पूजा का मेकअप वीडियो लेके आई हूँ। मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, देन गुड वॉश का टोनर यूज़ कर रही हूँ। जो भी न्यू होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। साइड में एक बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वॉश का ही सीरम। ये बहुत अच्छा सीरम है गाइस, फेस को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, लाइट वेट है एंड फेस को ग्लो भी प्रोवाइड करता है। आप लोगों का कल का क्या प्लानिंग है? सरस्वती पूजा एंड वैलेंटाइंस डे कल दोनों है, तो आप लोग दोनों में ये मेकअप यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा मेकअप हुआ है गाइस, आप लोग स्किप किए बिना फुल वीडियो देखिएगा। वाओ। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ निविया का मॉइस्चराइजर। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस, फेस को कुछ हेवी नहीं करता है, लाइट वेट है एंड बहुत अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। विंटर सीजन में मॉइस्चराइजर मस्ट है। एंड देखिए गाइस मेरा फेस में नेचुरल वाला ग्लो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ लैक्मे का लूमी क्रीम। ये फेस में एक ग्लो प्रोवाइड करता है। सरस्वती पूजा में ग्लो तो बनता है ना। एंड आप लोगों को बताइए कल का क्या क्या प्लानिंग है, कहाँ जाने वाले हो। इससे पहले मेरे एक वैलेंटाइन डे का एक मेकअप लुक अपलोड हो चुका है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। देखिए मेरा फेस में ग्लो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ इनसाइड का प्राइमर। ये पोर्स को ब्लर करता है, मेकअप को स्मूथ करता है एंड ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी करता है। मैं अपने हाई पॉइंट पे इसे अप्लाई कर लूँगी, जैसे फोरहेड, नोज एंड चिन अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं इनसाइड का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। फेस में जो भी डार्कनेस है उसे हाइड करना तो बनता है ना। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। मैं आज कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे हेवी लुक नहीं चाहिए, इसलिए मैं ओनली कंसीलर यूज़ करूँगी। स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, बहुत अच्छा कंसीलर है, हाई कवरेज कंसीलर है गाइस। मैं डॉट डॉट करके पूरे अच्छे से फेस में कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डब डब करके पूरे फेस में ब्लेंड कर लूँगी। फेस में आई मीन सॉरी, आप लोग बताइए आप लोगों को और कैसा कैसा लुक चाहिए, मैं वो वीडियो लाने का पूरा कोशिश करूँगी। बस मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। आप लोगों को क्या वीडियो चाहिए, मेकअप वीडियो, चैलेंज वीडियो है, कुछ जो भी बोलेंगे। अच्छे से ब्लेंड हो गया। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA का क्रीम ब्लश है। ये बहुत अच्छा ब्लश है गाइस, फेस में एक ग्लो प्रोवाइड करता है एंड फेस को पिंकी पिंकी बना देता है। मैं फिंगर की हेल्प से ही इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड देखिए गाइस मेरा फेस कितना अच्छा, मतलब एक ग्लो आ गया एंड पिंकी पिंकी लुक आ गया है। वाओ, बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट मैं लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आई मीन लूज पाउडर, जो भी क्रीजर से पहले उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ठीक कर लूँगी ताकि कोई क्रीज ना बने। एंड ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैं अपने आईज के अराउंड लूज पाउडर यूज़ करूँ क्योंकि वहाँ क्रीजर ज़्यादा बनते हैं, मतलब आई मीन जल्दी बनते हैं। मैं ब्रश की हेल्प से पूरा मेकअप को सेट कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप ख़राब ना हो। एंड आप लोगों को इसके बाद क्या लुक चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो जल्दी लाने का कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट, आई मीन आईब्रो किट। ब्रश की हेल्प से आईब्रो को सेट कर लूँगी। एंड आप लोगों को किसी भी मेकअप का डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूँगी। एंड ये देखिए गाइस आई शेडो, इसका भी लिंक चाहिए तो मैं बता दीजिएगा, मैं जल्दी अब वीडियो अपलोड करूँगी। एंड इसमें बहुत सारे कलर्स है गाइस, मैं पहले क्रीज बना लूँगी, आई मीन आईलिड पे ब्राउन कलर बनाऊँगी एंड आईलिड पे एक ब्लू कलर से अपने आईलिड पे कलर करूँगी, आई मीन आई शेडो यूज़ करूँगी फिंगर की हेल्प से क्योंकि मेरा ब्लू साड़ी था। एंड ये है गाइस स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, मैं फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का लगा लूँगी जैसा थोड़ा मेरा आईज ब्लिंक करे एंड अच्छा दिखे। तो मैं फिंगर की हेल्प से दोनों आईज पे लगा लूँगी, देखिए बहुत अच्छा, दोनों को मर्ज कर लूँगी जैसे कुछ अलग अन क्रीज ना बने, कैसा लुक आया गाइस। एंड नेक्स्ट मैं मेबलिन का काजल यूज़ करूँगी, मैं दोनों आईज पे अच्छे से काजल अप्लाई कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का आईलाइनर, ये लिक्विड आईलाइनर है गाइस, बहुत अच्छा आईलाइनर है। एंड मैं थोड़ा सा विंग ड्रॉ करूँगी, देखिए गाइस दोनों आईज पे मैं विंग ड्रॉ कर रही हूँ। एंड मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा, मैं कुछ भी फेस बनाती रहती हूँ। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मस्करा, ये मेबलिन का मस्करा है गाइस, ये
लेसेस को लॉन्ग बनाता है, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ लिप लाइनर, ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है। मैं फेस को लिप लाइनर से पहले ड्रॉ करूँगी ताकि मुझे लिपस्टिक यूज़ करने में ईजी हो, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, उसका कुछ किसी भी मेकअप का डिटेल्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो लाने का पूरा कोशिश करूँगी। एंड मेरा मेकअप हो चुका है स्विस ब्यूटी की हेल्प से। मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ गाइस, स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर है, देखिए क्या ग्लो प्रोवाइड हो रहा है। एंड मेरा मेकअप डन हो चुका है। इसके बाद देखिए फाइनली मेरा मेकअप डन हो चुका है। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं कैसी लग रही हूँ देखिए, मेरा साड़ी एंड मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इसमें ब्लू हार्ट दीजिएगा। मैं कैसी लग रही हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।